अभी देखिए, एक्चुअली ये मौसम जो है हम लोग का पतझड़ का मौसम है। अभी जो है सो ठंड से गर्मी की ओर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मौसम जो है गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तभी वायरल या एलर्जिक कंडीशन काफ़ी क्रिएट होता है। कहीं से भी बच्चे आते हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, आइसक्रीम का डिमांड करते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि बच्चे को पानी देना है, लेकिन उतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना है या उतना ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खिलाना है कि जिससे कि बच्चे के सेहत पर असर पड़े। चूँकि बच्चे जो है ठंडा पानी का और आइसक्रीम का जो है उनको अच्छा लगता है लेना। अभी वायरल बुखार की वजह से अधिकतर बच्चे या अधिकतर घर में जो बच्चे होते हैं वो बीमार पड़ते हैं। तो उनको चाहिए बच्चों को कि पौष्टिक भोजन दें और बच्चों को जो है बच्चों पे ध्यान दें। और यदि किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, ताकि वो बीमारी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अभी सर्दी खांसी बहुत हो रहा है लोगों को, एलर्जी कंडीशन बहुत चल रहा है लोगों को। तो नाक से पानी आना, आँखों में जलन होना, फिर आँखों में खुजलाहट होना, ये एलर्जी कंडीशन है। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए आप जब भी निकलें या बच्चे को जब भी निकालें तो या तो छोटा एक मास्क दे दें बच्चे को, ताकि वो एलर्जिक जो कंडीशन है उससे बच्चे बच सके। और ज़रूरत पड़ने पे टाइम टू टाइम जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो अच्छे से, अभी 15 दिन, एक महीना बच्चों को ज़्यादा 15 दिन ज़्यादा दिक्कत होगा बच्चों को, क्योंकि ठंड से हम लोग गर्मी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में पतझड़ का मौसम होता है और पतझड़ के मौसम में एलर्जिक वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा हवा में फैली हुई रहती हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। भोजन में वैसा कोई परहेज नहीं है, लेकिन बच्चों को खास करके जो है फ्रिज का पानी और आइसक्रीम या तो बाहर का सामान जो बच्चे खाते हैं उससे अभी थोड़ा सा 15 दिन बच के रहें। इसके बाद जब आप एडेप्ट कर जाएंगे उस मौसम में तो फिर आपको परेशानी कम होगी। और बच्चों को पौष्टिक भोजन देना ज़रूरी है। बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है सो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो पौष्टिक भोजन यदि हम देते हैं तो बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है सो मजबूत होता है।